ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मानता है, वो अगर आज मोदी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, वो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। झुंझुनू से बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी का ये बयान आखिर वोटरों को सीधी धमकी नहीं तो और क्या है? नेताजी बाकायदा मंच लगाकर लोगों से ये कहते दिख रहे हैं कि जिसने कमल के फूल वाला बटन नहीं दबाया, समझ लेना कि वो देशद्रोही है। बीजेपी उम्मीदवार के इस विवादित बयान ने अब सियासी पारा और बढ़ा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मानता है, वो अगर आज मोदी जी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, वो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। झुंझुनू कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने शुभकरण चौधरी पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इससे पहले 4 अप्रैल को भी शुभकरण चौधरी जनसंपर्क के दौरान ये कह चुके हैं कि जिसने मोदी के खिलाफ वोट डाला, समझ लेना कि वो देशद्रोही है। शुभकरण के बयान पर कार्रवाई की मांग भी हो रही है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।